बिहार के छपरा में हुए पिता पुत्र की हत्या के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। खबर बनियापुर के तख्त भित्ती में जमीनी विवाद में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई एवं अन्य लोग इसमें जख्मी हैं। घटना रविवार की सुबह की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सभी को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 75 वर्षीय गिरीश देव दुबे और उनके चौथे पुत्र 30 वर्षीय शोभाकांत दुबे की मौत हो गई थी, जबकि गिरीश देव दुबे के अन्य दो पुत्र शशिकांत दुबे और उमेश दुबे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने पिता पुत्र के शव को भकुरा भिट्टी मुख्य पथ को जाम कर आगजनी कर रहे थे। वहीं वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग कर रहे थे, साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि घटना के बारे में परिजनों का इस विषय में क्या कुछ कहना है वो आप सुने। हमारे जमीन हमारे घर बाटे, हमारे घर के बगल में भी जमीन था, वही प्लॉट में हमारे घरों बाटे जबरदस्ती दिल हमारे पटीदार से निकाले ले बारे। अब ऊपर हम केस कैले बानी प्रिजम्पशन के, जो केस चलत आटे ये लोग हाजिर भी नहीं के होकर आया जबरदस्ती प्री प्लान से आके हमें दखल करे लागल लोग हमने के गनियों से माना करे। वही में दिलंजन सिंह, डब्लू सिंह, बबलू सिंह, विनय सिंह आ मुन्ना सिंह आ उकरा बाद दिलंजन के माय रही है, उनकर औरत रही है, ये सब लोग मिल के मारे फरसा से लाठी से हमला कर दिल से लोग आ चाकू से मार दिले बालू। जन में हमारे दूगो भाई के बाबूजी मर गए, हमारे भाई एगो मर गए, एगो भाई हमारे सीरियस बा, हमारा हाथ में चोट लागल बा, डाँड में चोट लागल बा, एगो हमारा भाई के गोर फाट गई बा। की विवाद है अभी हम लोग मामला के तह तक नहीं गए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का ही घटना हुआ है, लेकिन प्रशासन पूरा छापामारी कर रहा है। जो अपराधी है वो बचेगा नहीं, किसी भी हद तक जाया जाएगा, लेकिन अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपने परिजनों को सुना जिन्होंने बताया कि गांव के ही दिलरंजन सिंह द्वारा उनके परिजनों से जमीनी विवाद चल रहा था, तभी अचानक हथियार से लैस दिलरंजन सिंह के परिवार वालों ने जमीन पर आकर जुताई करने लगे। जब गिरीश देव दुबे के परिजन इसका विरोध करने लगे तब उन पर चाकू और फरसा से हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो चुकी है जबकि दो अन्य घायल बताए जा रहे हैं। 16 दिन पहले शोभाकांत दुबे की शादी हुई थी। परिजनों ने बताया है कि जमीनी विवाद में मृतक शोभाकांत दुबे की शादी 25 नवंबर को हुई थी और शादी के बाद परिवार आज ही घर में भोज का आयोजन कर रहा था। सुबह से ही परिवार वाले भोज की तैयारी कर रहे थे, तभी घर के सामने ही विवादित जमीन की जुताई शुरू होने लगी और विरोध करने पर पिता सहित पुत्र की भी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मौके पर आसपास की कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है और वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की मांग लोग कर रहे हैं और न्याय की भी गुहार लगा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।